पंजाबी न्यूज चैनल देख रहे समूह दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रदूषण की। एक और जहां लॉकडाउन के दौरान प्रदूषण कम हुआ था, वहीं लॉकडाउन खुलते ही हवा जहरीली हो गई और बताया जा रहा है कि 6 गुना प्रदूषण बढ़ गया है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के शुरुआती चरण के दौरान देश के 6 प्रमुख शहरों में प्रदूषण का स्तर काफी गिर गया था, मगर अब चूंकि देश में विभिन्न गतिविधियां धीरे धीरे शुरू हो रही हैं, तो प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ने लगा है। हाल ही में हुए एक अध्ययन में इसका पता चला है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु में PM2.5 का स्तर महामारी के बाद लगाए गए राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान 45 से 88% तक कम हो गया था। विश्लेषण में हालांकि पाया गया है कि जब देश राष्ट्रव्यापी बंद 4.0 तक पहुंचा तो और यहां गतिविधियां धीरे धीरे दोबारा शुरू हुई तो प्रदूषण फिर से बढ़ने लगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 6 शहरों में राष्ट्रव्यापी बंद 4.0 के दौरान PM2.5 के स्तर में 2 से 6 गुना वृद्धि हुई। रिपोर्ट में निकले निष्कर्षों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में 4 से 6 गुना प्रदूषण में वृद्धि दर्ज की गई, जबकि अन्य शहरों में 2 से 6 गुना वृद्धि देखी गई। प्रदूषण में शुरुआती कमी का कारण यह था कि राष्ट्रव्यापी बंद होने के तुरंत बाद औद्योगिक गतिविधियों को बंद हो गई थी। इसके अलावा सड़क पर यातायात में कमी और निर्माण गतिविधियों पर अस्थायी रोक से भी प्रदूषण घटा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा कि विश्लेषण से पता चला कि आसमान को नीला बनाने और हमारी हवा व फेफड़ों को साफ रखने के लिए देश को कितने बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप की जरूरत है। CSE ने बेहतर, स्वच्छ एवं अधिक टिकाऊ पर्यावरण और वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरणीय मांगों का एक चार्ट भी प्रस्तुत किया है। देखते रहे पंजाब वाणी वेब चैनल और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।